हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि छत डलने के बाद हमें कौन सा काम रहता है जो सबसे पहले करना पड़ता है। जिस दिन हमारी छत डलती है उसके अगले दिन हमें यह काम करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये काम है कि हमें क्यारी बनानी चाहिए छत में, जिससे जो कि छत के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यारी कैसे बनती है और किस टाइप की ये रहती है। नमस्कार दोस्तों, RR कंस्ट्रक्शन के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि छत डलने के बाद हमें एक दिन बाद तुरंत क्या करना चाहिए। छत डलने के एक दिन बाद हमें तुरंत ये क्यारियाँ बनानी चाहिए और छत पर पानी भरना चाहिए। यह बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि छत को बहुत ज़्यादा क्यूरिंग की आवश्यकता होती है। सिंचाई करके हम छत की तराई नहीं कर सकते, इसलिए हमें 15 दिन तक क्यारी बनाकर छत पर यह पानी भरना चाहिए। और ये बाहर पानी कंटिन्यू भरा होना चाहिए, जिससे कि छत की अच्छे से क्यूरिंग हो जाए, तराई हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे कि कंक्रीट को उसकी पूरी स्ट्रेंथ मिलती है एवं आपकी छत में मजबूती आती है। तो आप देख रहे हैं कि ये क्यारी किस तरह की होती है। 10x10 या 12x12 के हिसाब से या कॉलम से कॉलम के हिसाब से आप ये क्यारियाँ बना सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो क्यारियाँ बनी हैं किस टाइप से बनी हैं। और दोस्तों, ये बनाना बहुत ही आवश्यक होता है कंस्ट्रक्शन के काम में। जब छत डलती है तो छत के एक दिन बाद ये क्यारियों का बनाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। वह हमेशा या 15 दिन तक ऐसे ही पानी से भरी होनी चाहिए।